हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग अपने बिलियन चैप्टर की अगली टॉपिक पढ़ेंगे। आज की हमारी टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। इंग्लिश में इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोस्तों आपको हिंदी वाले नाम से ही क्लियर है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है, मतलब ये ऐसे गुण होंगे। दोस्तों गुणधर्म को हम गुण भी कह सकते हैं। तो अणुसंख्यक गुण का अर्थ है कि ऐसे गुण होंगे जो अणु की संख्या यानी कि मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करेंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा से बात को और क्लियर कर लेते हैं। वे गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म मुख्यतः चार होते हैं। पहला वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा परासरण दाब। इस चैप्टर में हम लोगों को ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म बारी बारी से पढ़ने हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म को हम बहुत सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुण विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण होते हैं। विलेय कणों की प्रकृति से इसका कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात अणुसंख्यक गुण विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। अब एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन। किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई ठोस अर्थात अवाष्पशील, हम जानते हैं कि ठोस को हम अवाष्पशील पदार्थ मान के पढ़ते हैं। तो किसी शुद्ध द्रव विलायक में जब कोई ठोस अर्थात अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। दोस्तों इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो इमेज लिया गया आपको। पहले कंडीशन में प्योर सॉल्वेंट लिया गया है, तो आप प्योर सॉल्वेंट के जब सरफेस पे देखेंगे तो आपको उसके अणु दिखाए गए हैं। ये सभी अणु द्रव के अणु हैं, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है यानी द्रव है, तो ये सभी अणु वाष्पित हो सकते हैं। अब ये वाष्पित हुए हैं जिससे यहाँ पे इसका वेपर जो है इकट्ठा हो गया है, और इसी वेपर का जो प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। दूसरे कंडीशन में क्या किया गया है कि सॉल्वेंट में सैल्यूट को मिक्स कर दिया गया है। अब यदि हम इस कंडीशन के सरफेस को देखें तो सरफेस पे हमको दो टाइप के मॉलिक्यूल दिखेंगे, एक ग्रीन वाले और एक ब्लू वाले। जो ग्रीन वाले मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूट के हैं और जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के हैं। अब यहाँ पे क्योंकि विलेय जो हमारा है यानी जो सॉल्यूट है वो अवाष्पशील है, इसलिए सॉल्यूट पार्टिकल तो वेपर बनेंगे नहीं। जो सॉल्वेंट पार्टिकल है बस वही वाष्प या वेपर बन सकते हैं। अब हम यदि सरफेस पे देखें तो जो विलायक के कण हैं जो कि वाष्पशील हैं उनकी संख्या घट गई है, इसलिए इसका वाष्पन भी कम हो जाएगा और ऊपर बने वाष्प की मात्रा में कमी आ जाएगी। और जब वाष्प की मात्रा में कमी आ जाएगी तो वाष्प दाब में भी कमी आ जाएगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वाष्पन है इवोपरेशन है वो सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है, तो नीचे के मॉलिक्यूल से कोई रिलेशन ज़्यादा नहीं है इसका, सरफेस के मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि जब शुद्ध द्रव विलायक में ठोस अर्थात अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलेय के कुछ अणु द्रव सतह पर स्थित विलायक अणुओं के मध्य व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे विलयन के सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या घट जाती है, अतः विलयन का वाष्प दाब भी घट जाता है। दोस्तों हम लोग जो वाष्प दाब का अवनमन है इसका हम लोग यदि फार्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो वाष्प दाब का अवनमन इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो पहले था और माइनस विलयन का वाष्प दाब जबकि हमने उसमें अवाष्पशील विलेय घोलकर विलयन बनाया है।
तो वाष्पदाब का वनमन बराबर होता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और माइनस विलयन का वाष्पदाब। अब इतनी बात समझने के बाद हम लोग अब आसानी से वाष्पदाब के आपेक्षिक वनमन को समझ सकते हैं। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक वनमन क्या होता है इसे देखते हैं। तो विलयन के वाष्पदाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मीन्स इसका हम लोग इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलयन के वाष्पदाब का अवनमन अपान शुद्ध द्रव विलायक का वाष्पदाब। जो अपान है इसको हम लोग अनुपात या इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो वही हमने शब्दों में लिख दिया कि विलयन के वाष्पदाब का अवनमन और शुद्ध द्रव विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को हम लोग वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन हमको देखने हैं जिसपे हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके लिए हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो मान हम एक कंडीशन लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना शुद्ध द्रव विलायक का वाष्पदाब P1 नॉट तथा विलयन का वाष्पदाब P1 और विलयन में जो विलायक का मोल अंश X1 और विलेय का मोल अंश X2 है। इस कंडीशन में यदि हम लोग राउल्ट नियम लगाएंगे तो राउल्ट नियम से हमको मिलेगा P1 प्रोपोर्शनल X1। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको राउल्ट लॉ जो है वो रिमेम्बर कराता हूँ। तो राउल्ट नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयन के प्रत्येक अवयव का वाष्पदाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यदि हम लोग P1 देखेंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा X1। अब देखते हैं यहाँ पर P1 क्या है। तो यहाँ पे जो P1 है वो विलायक का वाष्पदाब है, और लेकिन इसको आप विलयन का वाष्पदाब भी कहेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है कि जो P1 है वो विलयन का वाष्पदाब है। दोस्तों P1 को आप विलायक का वाष्पदाब कहिए या विलयन का वाष्पदाब कहिए, बात एक ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब नहीं कहिएगा, तो विलयन का वाष्पदाब कहेंगे, क्योंकि जो विलेय है वो अवाष्पशील है। तो यही विलायक के लिए भी है। आप सोचेंगे कि जब मैंने P1 लिखा है तो प्रोपोर्शनल X1 क्यों लिख दिया है, जबकि X1 तो विलायक के मोल अंश है, X1 तो यहाँ पे विलायक के मोल अंश है। तो इसीलिए लिखा गया है कि वास्तव में जो विलयन का वाष्पदाब होगा वो सिर्फ विलायक की वजह से ही होगा, क्योंकि विलेय तो आपका अवाष्पशील था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि P1 प्रोपोर्शनल X1 क्यों लिखा गया है, जबकि P1 जो है वो विलयन का वाष्पदाब है। आगे यदि हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएं, इक्वल साइन लगाएं, तो हमको कांस्टेंट की जरूरत होगी, और कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे P1 नॉट, और P1 नॉट क्या है, शुद्ध द्रव विलायक का वाष्पदाब। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाष्पदाब का अवनमन जो होता है उसका फार्मूला होता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। यहाँ पे P1 नॉट, जैसा कि आपने पहले सपोज कर लिया है कि ये शुद्ध द्रव विलायक का वाष्पदाब है और P1 विलयन का वाष्पदाब है। तो यदि हमारे पास ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में हम चाहें तो P1 की वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से P1 का मान यहाँ पर रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट माइनस जो P1 था इस इक्वेशन में, P1 की जगह पे हम इस इक्वेशन में वहाँ पे हम क्या रख देंगे, P1 नॉट इंटू X1। अब इसमें से हम लोग P1 नॉट को इन दोनों पदों में से P1 नॉट को कॉमन ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस X1। अब यदि P1 नॉट को हम दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें तो हमारे सामने ये इक्वेशन आ जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर जो P1 नॉट, सॉरी, हम लोग जानते हैं 1 माइनस X1 है, तो वहाँ पे 1 माइनस X1 की जगह पे हम लोग X2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि विलेय का मोल अंश और धन विलायक का मोल अंश बराबर एक होता है। तो 1 माइनस X1 को हम X2 लिख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। दोस्तों इसका जो राइट साइड है यानी कि डेल्टा पी अपान P1 नॉट, ये जो है ये कहलाता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है कि विलयन के वाष्पदाब का अवनमन अपान जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और यहाँ पे डेल्टा पी जो है वो विलयन के वाष्पदाब का अवनमन है, और P1 नॉट जो है वो शुद्ध द्रव विलायक का वाष्पदाब है। और ये हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो X2 जो है वो
विलेय का मोल अंश है। दोस्तों विलेय के मोल अंश को हम विलेय की मात्रा या हम लोग विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के कणों की संख्या कह सकते हैं। तो यही हम लोगों ने पढ़ा कि जो वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन होता है वो बस विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और इसीलिए वाष्प पदार्थ के आपेक्षिक अवनमन को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ये हमने समझ लिया। आगे इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो विलेय का मोल अंश होता है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर N2 जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है और N1 जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। तो इक्वेशन हमारे सामने ये हो जाएगा कि डेल्टा पी अपान P1O इक्वल टू N2 अपान N1+N2। अब इस इक्वेशन में हम लोग यदि सपोज करें कि N2 इज डबल लेस देन N1, देन N1+N2 की जगह पे हम N1 लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा पी अपान P1O इक्वल टू N2 अपान N1। अब हम लोग जानते हैं कि N2 जो होता है उसको W2 M2 लिख सकते हैं, अर्थात किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान उसका मोलर द्रव्यमान। इसी तरह N1 के जगह पे हम लिख सकते हैं W1 अपान M1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें इस सबसे नीचे का सबसे ऊपर और बीच वाले का बीच में, ये रूल होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो जो डेल्टा पी है वो है विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। इसके जगह पे आप चाहें तो लिख सकते हैं P1O-P1। जो P1 है वो शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है, सॉरी यहाँ पे P1O लिखना चाहिए। तो जो P1O है वो शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब होगा और W2 विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, W1 विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान। दोस्तों यदि हम देखें तो डेल्टा पी अपान P1O को हम कह सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अवनमन होना चाहिए, अवनमन न छूट गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं रेगुलर ऐसी वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं एनर्जेटिक हो सकूं और भी अच्छी वीडियो और टाइम टू टाइम रेगुलर आपके लिए ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही।